मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित जवाहर झील बाल उद्यान के जीर्णोद्धार संबंधी कार्यों का उन्होंने अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ पदाधिकारी मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री यादव दोपहर में विकास कार्यों से जुड़ी संभागार विधायकों की बैठक कर सकते हैं। वहीं शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जयपुर जाएंगे। सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री विजय अग्रवाल जी और इस आयोजन की पूरे एक तरह से सूत्रधार इस नाते से जिनकी संकल्पना है बच्ची तो प्रयत्न की है लेकिन नवाचार इतना अच्छा है। आपने झीलों की नगरी प्राकृतिक सौंदर्य का और खास करके बरसात के मौसम में ऐसा लगता है कि परमात्मा ने विशेष कृपा की भोपाल को जिस कोने से देखो और देखते ही नहीं आएगा ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना भोपाल परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लग जाए। इतनी राजधानियां हैं लेकिन इन सारी राजधानियों जो भोपाल एक बार आके रहता है तो यहीं का होकर रह जाता और जो देखता है वो देखता रह जाता। दाल तलैया झील और 1000 साल पहले का भी बड़ा तालाब और तालाब भी ऐसा तालाब जिसके लिए आज भी आधुनिक समय में बांध निर्माण के लिए वो सर्वोत्तम उदाहरण है। इतना बड़ा तालाब या बांध लेकिन न्यूनतम लागत में ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आज भी ये हमारे सबके लिए आदर्श रूप में। और मैं बच्ची एसना के लिए जोरदार अभिनंदन करें अपनी तरफ से जिसके मन में कल्पना आई कि ये हमारा तालाब का पानी या झील का पानी इसको साफ करना चाहिए। ये नई टेक्नोलॉजी भी है यद्यपि ये टेक्नोलॉजी ऐसी जिसमें खर्च की दृष्टि से आमतौर पर पानी को फिल्टर करने के बहुत अलग अलग प्रकार लेकिन ये प्रकृति की परमात्मा के हाथ के माध्यम से ही साफ होगा जिसमें पौधे लगा करके ये हमारी अपनी अलग प्रकार की विधा है। यद्यपि इस विधा के कई अच्छे रिजल्ट जिसमें पौधों को लगने से पौधे अपने आप पानी को शुद्ध करेंगे बैक्टीरिया के माध्यम से कई जीव जल जीवों को भोजन भी देंगे और ये अपने आप ही एक चक्र बनाएंगे जिस चक्र के माध्यम से जैसे हमारे अपने शरीर के अंदर के रक्त को सुधारने के लिए कोई तो हमारा हार्ट पंपिंग करता है और अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलता ऐसे ये पानी के लिए एक तरह से ये सर्किल चलेगी जिसमें पानी अपने आप शुद्ध होगा और अशुद्धियों का स्वतः ही पौधों के माध्यम से